एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग गुड। और राधे राधे सभी को। तो अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ वीडियोस पसंद आया करो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करो। आपको कुछ नहीं जाएगा लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाँ, तो अभी का सीन ऐसा है कि मुझे कुछ लेने हैं, एक दो अपने लिए सूट और दो लेने हैं, दो सोचे मैंने। और अभी मने नीचे मेरा वेट कर रहा है, मैं फटाफट से जा रही हूँ, सीधा मिलूँगी आप लोगों से शॉप पे जाके। ज़्यादा वीडियो मैं वहाँ पे शूट नहीं करूँगी क्योंकि नहीं करूँगी बस। भारी डिस्काउंट मिल जाए इसको। यहाँ देख, ये सूट की है ना। हाँ, ये सब पे नहीं जाएगी ना। अरे वो ठीक, बढ़िया लग रही है। हाँ, ये भी अच्छी लग रही है, है ना। ये भी सही है लेकिन ये भी छोटा आ रहा है, इसका काम भी अच्छा है ना। मैं ये चप्पल भी लेके आई हूँ, ये देखो इसमें ऐसे क्या बना हुआ है, ऐसे डिजाइन है कुछ, मुझे नहीं पता। ये ऐसे लग रहा है कि हाँ इसमें पार्ट लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, लेकिन ये पर्ल नहीं है, ये डिज़ाइन बना हुआ शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं बाहर बैठी हूँ। और ये कुछ ऐसी लग रही है अभी, और मतलब डेली यूज़ में पहनने के लिए ना ठीक है। मैं उन भैया की शॉप से लास्ट ईयर भी दो जोड़ी चप्पल ले गई थी, वो मेरी अब तक चल रही हैं, और ये सवा से डेढ़ साल पहले की बात है, और ये पानी में भी ख़राब नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे मार्केट वगैरह भी पहन के जाओ। और एक ये चप्पल लेके आई हूँ मैं, इसमें कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है, पता नहीं क्यों। मींस की जो इंडियन आउटफिट है उन पे चल जाएगी, सूट वगैरह पे बहुत अच्छे से जाएगी ये। यहाँ पे इसमें ऐसे वर्क हो रखा है, और ये ऐसे यहाँ पे चोटी जैसा डिज़ाइन है, यहाँ पे हल्के हल्के वो लगे हुए हैं, क्या है ये, स्टोन चिपके हुए हैं। और फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में मैं सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती हूँ, हील्स में इतना कम्फर्टेबल नहीं रहती। और ये तो मैंने पहन ही लिया, एक ही लाई हूँ और एक ही लाई लाई हूँ मैं उसके लिए, ट्रेडिशनल आउटफिट्स के लिए। The next day. गुड मॉर्निंग है। हाँ ऐसी है, 10 रुपये वाली। गुड मॉर्निंग ने आफ्टरनून रखी है, और अभी तो इवनिंग होने वाली है, 3 बजे दोपहर के। मम्मी और मैं जा रहे हैं मार्केट, कल भी गई थी मैं, जिस शॉप से सूट ले गई थी वहीं पे जा रहे हैं दोबारा, एक सूट और लेना है, बाकी और कोई पसंद आ गया तो और ले लेंगे। तो फटाफट से चलती हूँ और मिलूंगी आप लोगों से सीधा वहीं पहुंच के। ये स्प्रोडी पट्टा है इसका, ये कलर ज़्यादा सुंदर है। चलो आए, आ तो रहे ना आप। अरे बेटा बस मैं अपनी घर की माया में जी हुई। मम्मी दही भल्ले खा रही है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती मंगवा दी, मैं तो खाती हूँ दही भल्ले, नहीं तो मैं भी खा लेती। एक तो मेरी दही बंद, ऊपर से दही भल्ले मैं खाती भी नहीं। शॉपिंग हमने कर ली है, एक लेने आए थे और 4 ले लिए, दिखाऊंगी कौन कौन से लिया। अच्छा नहीं लगने का क्या? क्या कौन से वाला? ये येलो वाला, ये अच्छा लगेगा। घर पे आ गई हूँ मैं, मम्मी और मैं दोनों ही गए थे जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, और वहाँ पे दही भल्ले भी खाए हैं हमने, मैंने नहीं खाए, मम्मी ने खाए हैं। दही भल्ले से पता नहीं है मेरे को क्या एलर्जी है, घर के बने हों या बाहर के बने हों, मेरे गले में दिक्कत होने लगती है दही भल्ले से। और खैर अभी तो फिलहाल मेरी दही वैसे भी बंद है क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही है, तो ठंडा खाना सब कुछ, चावल दही और जो भी मीन्स जिनकी तासीर ठंडी होती है, फिर जो ठंडा होता है फलाने वगैरह जो भी होता है वो सब बंद है मेरा। तो अभी शाम के बज चुके हैं 6, और आए हुए तो लगभग आधा पौना घंटा हो चुका है मैं आए हुए, लेकिन फिर हम बैठ कर अपना सामान वगैरह सेट करने लग गए थे। और सूट मैं आपको वैसे फिर कभी दिखाऊंगी क्योंकि अभी मेरे को भी थोड़ा सा कुछ काम है, जल्दी आया और थोड़ी सी, और मम्मी भी बस अभी घर जा रही है, हर्षित आया मम्मी को लेने के लिए, तो इसलिए मैं सूट दिखाऊँगी आपको बाद में, अपने दिखा दूँगी क्योंकि मेरे पास ही है अभी, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी, ठीक है।
तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय को भी कुछ नहीं पिया है, और तो थोड़ी सी चाय पीऊंगी। और आज मैं भोग में बनाने वाली हूँ, जवे बना रही हूँ, मटर टमाटर सब डाल के। मटर मैंने रख ली है निकाल के, और टमाटर हरी मिर्च भी कट करके रख लिए हैं, तो मैं जवे बनाऊंगी। और इधर मैंने मखाने भी भून के रख लिए हैं भोग के लिए। इसमें से क्या करूंगी मैं, आधे एक अलग डब्बे में निकाल के रख दूंगी भोग के लिए, और आधे हम खुद के खाने के लिए रख लेंगे। तो मैं कभी कभी वैसे ही करती हूँ, मम्मी याद दिलाती रहती है मेरे को, खुद तो मैं भूल जाती हूँ। मखाने खाने चाहिए, क्योंकि उससे ना हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती है मखाने खाने से, तो मखाने खाने चाहिए ऐसा मम्मी कहती है। Hours later. जब ऊपर से संयोग आता है बेटा, मान मत मान, लाइव प्रदर्शन चलेगा आप लोगों का वीडियो में, लाइव प्रदर्शन चलेगा वो आप लोगों का। तुम्हारा कार्टून बना रही है? वीडियो बना रही हूँ, कार्टून नहीं। शाम जा रही बस, वैसे तो 1500 रुपए ले रहे हैं। नहीं बर्तन हमारे देखते हो आंटी कितने मस्त हैं, हम ऊपर जो गली वाली जो दीदी थी वो तो डर जाती थी हमारे बर्तन देख के। नहीं हम साथ साथ मांझते रहे हैं ना, तेरा ही ब्याह है। पहले ऐसी तो लगाया करते वो ऐसे गोले गोले वाली, वो तो अच्छी लगी, इधर सदा बहार है गोले वाली। हाँ, तो मेरी मम्मी लगाया करती थी। हाँ, मेरी मम्मी को ऐसी पसंद थी, एक हाथ में मुट्ठी बनाती थी सबसे पहले, मुट्ठी बनाती थी। दीदी क्या मेहंदी लगा रहे आज, अगर ना उसके पापा अब गाना लगा रहे गौरी शंकर जी के जैसी जो भी होनी चाहिए, यही लगाऊंगी अब। हमने तो उसके बाद में कोई बातचीत करी, वो गल है मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए यार, इन लोग गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाएगी थी उसमें साथ में। मैं भी टिकली वाली आंटी किसकी रचेगी पहले, मैं भी टिकली वाली लगाऊंगी। तेरी क्या नहीं रचेगी, तेरी मोटी है ना लगी हुई, इसलिए लगेगी मेरी सास। मैं आ चुकी हूँ घर, गई थी मैं, वीडियो आपने देख ली होगी, क्योंकि आंटी अंकल की कल एनिवर्सरी है, उनको 30 साल हो जाएंगे, मीन्स की 30th एनिवर्सरी है उनकी, तो उनको मेहंदी वगैरह लगाई। अच्छा लगता है ऐसे भाई, एनिवर्सरी है, बर्थडे, होली, दिवाली हो, करवा चौथ तो हो या कुछ भी हो, मेहंदी तो ज़रूर लगानी चाहिए। मेरे को तो पर्सनली खुद मेहंदी इतनी पसंद है, लेकिन मैं खुद रहेगी, मैं कोशिश करूँगी कि सुबह लगा लूँ थोड़ी बहुत जितनी भी लग पाएगी। और इंस्टेंट वाली मैंने लास्ट टाइम लगाई थी, लेकिन इंस्टेंट मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे मज़ा नहीं आया इंस्टेंट मेहंदी में। तो अभी बज चुके हैं 12:30 रात के, तो ये वीडियो मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड, आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। तो आप लोग भी सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।